नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फॉर यू में। मेरा नाम है आशीष चौरसिया और फ्रेंड्स, अभी तक इस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, फटाफट सब्सक्राइब कर लें और इस घंटे के बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें ताकि आपको रात 9 बजे होने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले, और वो भी बिल्कुल फ्री। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बाल विकास से कुछ ऐसे 100 बिंदु आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ना, जो अक्सर कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में बनता है। और दोस्तों, ये फ्री पीडीएफ भी मिलेगा आपको, वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट की पीडीएफ दिया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं। आज का पहला देखिए, मोस्टली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो ये उनका सिद्धांत के बारे में जब भी पूछा जाए तो जीन पियाजे जी का नाम आता है। नोट डाउन कर लें आप अभी इसे, किसका नाम आता है? जीन पियाजे जी का। क्वेश्चन नंबर 2 देखें हम, तो बुद्धि के संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया हुआ है ना गोलमैन ने। किसने दिया हुआ है? गोलमैन ने दिया हुआ है। नोट डाउन करना, बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया है? तो आइजेंक ने ना बुद्धि का संरचना सिद्धांत दिया हुआ है, ये बात भी आप लोग नोट डाउन करेंगे। किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? देखिए थोड़ा सा ना यहाँ पे आधा सा आधा का मिस है, पर मैं सही पढ़ रहा हूँ, उसमें ध्यान दें आप। देखिए जो यौन संबंधी समस्याएं होती है ना, ये किशोरों की अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा नाजुक और संवेदनशील अवस्था होती है। तो ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना इस बात का। मानव विकास किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो जो किशोर अवस्था होती है ना, किशोर अवस्था के बाद ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति जो होता है ना परिपक्व हो जाता है। अब किशोर अवस्था तक कब तक होती है, कई बार ये पूछता है ना, तो 12 वर्ष से प्रारंभ होती है और 18 वर्ष में जाकर किशोर अवस्था खत्म होती है। तो ये चीजें का ना आप विशेष ध्यान रखना, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण की विभिन्न विधियों का प्रयोग कौन सी अवस्था के लिए सर्वाधिक होता है? जो शिक्षण की अलग अलग विधि हम प्रयोग करते हैं ना, ये होता है आपका बाल अवस्था के लिए। किसके लिए होती है? बाल अवस्था में ना आप शिक्षण की अलग अलग विधि उपयोग कर सकते हैं। देखिए 7वां, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ जैसी प्रबल भावना है ना किस अवस्था में आ जाती है बच्चों के अंदर? तो वो अवस्था होती है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में ना ऐसी भावनाएं बच्चों के अंदर आती है। अब देखिए, विकास ना कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार कौन सा सिद्धांत का है? तो जो निरंतरता का सिद्धांत है, ये क्या बताता है कि विकास ना कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये बच्चों के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है और ये ना जीवन पर्यंत चलते रहती है, मतलब गर्भ अवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है और ये जीवन चलते रहती है। तो होने के पश्चात ही क्या होती है, ये विकास समाप्त होता है। इज दैट क्लियर? विकास मनोवैज्ञानिक एक विज्ञान है, सॉरी फॉर दैट, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। तो ये मानव व्यवहार का एक विज्ञान है जो शिक्षा मनोविज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 10, विकास प्राणी में गतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित रहता है, ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन ना ड्रेवर जी ने कहा हुआ था। तो नोट डाउन करना ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। सीखने का सिद्धांत किसने दिया है? अब देखिए ये ना मोस्टली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ना, तो एडवर्ड थॉर्नडाइक जी का नाम आता है ना सीखने के सिद्धांत के लिए। ये आप लोग अभी ना गांठ बांध लीजिए भाई, सीखने का सिद्धांत एडवर्ड थॉर्नडाइक का। आगे हम चले ना, खेल पद्धति के जनक कौन है ना, तो विलियम किलपैट्रिक क्या है, ये खेल पद्धति के जनक है। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है, तो आर्मस्ट्रांग जो है ना, ये ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक है। आगे हम चले, प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है, तो जॉन डीबी जी ना प्रोजेक्ट पद्धति के जनक है। अस्थायी मानव दांतों की संख्या कितनी है, तो अस्थायी मानव दांतों की संख्या 20 होती है। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, लगभग 350 ग्राम शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है। नोट डाउन करें सभी स्टूडेंट, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, लगभग ना 1350 से लेकर 1400 ग्राम के आसपास ये ना माना जाता है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की थी, तो उन्होंने ना एक लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की थी और उसी स्कूल में ना उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए हुए थे। और कहाँ किए थे, जेनेवा में किए थे। किसने किया था, जीन पियाजे जी ने किया था। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19, जीन पियाजे जी के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, तो द लैंग्वेज एंड ऑफ द चाइल्ड पुस्तक जो है ना वो जीन पियाजे जी ने लिखी हुई है। और कब लिखी है दोस्तों, तो ये लिखी हुई है उन्होंने 1923 में, 1923 में ये पुस्तक लिखी हुई थी। याद रहेगा ना, द लैंग्वेज एंड जो थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये पुस्तक है। थोड़ा सा डर है, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाते हैं हम, जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बताई है? देखिए ये ना मोस्टली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है।
संज्ञानात्मक विकास की या विकास की कितनी अवस्थाएं बताइए जीन पियाजे जी ने, ये क्वेश्चन बनता ही है। तो आप दोस्तों आप लोग आंसर देंगे ना, चार अवस्थाएं बतलाइए। कितनी अवस्थाएं बतलाइए? चार अवस्थाएं। वो अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए यहाँ संवेदी गामक अवस्था होती है ना, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। दूसरा ना पूर्व सकारात्मक अवस्था होती है, जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। आगे हम लेकर चले ना तो ठोस या आप कहें ना मूर्त सकारात्मक अवस्था होती है, जो 7 से 11 वर्ष तक होती है। देखिए मैंने कई बार देखा है ना, एक क्वेश्चन बना हुआ है कि जीन पियाजे जी की जो मूर्त सकारात्मक अवस्था है ना कितने वर्ष तक होती है, पूछा जाता है, तो 7 से 11 वर्ष आप लोग जवाब देंगे। इज दैट क्लियर? और चौथी अवस्था जो होती है वो होती है आपकी औपचारिक सकारात्मक अवस्था, 11 से 18 वर्ष तक होती है। कहाँ से होती है? 11 से 18 वर्ष तक। नोट डाउन करना है इसे आप। क्वेश्चन नंबर आ जाता है ना 21, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो आपको जस्ट मैंने बताया अभी ना, वो जीन पियाजे जी के द्वारा की गई है। इज दैट क्लियर? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया जस्ट डिस्कस कर लिया हमने। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक को निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या मानते हैं? देखिए प्राथमिक स्तर ना जहाँ बच्चा छोटा है, ठीक है, अंडर 5th तक का बच्चा है, तो वहां ना आपको ना धैर्य और दृढ़ता रहनी चाहिए, क्योंकि ना बच्चा उतनी जल्दी नहीं सीखता है और बहुत ज्यादा इरिटेट भी करता है। तो कहीं ना कहीं आपको धैर्य और दृढ़ता के साथ बच्चों को सिखाना चाहिए। आगे हम चाहिए ये क्वेश्चन ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में बना हुआ है ना, तो आप लोग इसे ध्यान से सुने। उत्तर बाल अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं की आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लग जाता है। देखिए बहुत ज्यादा हिंदी मिस्टेक है, हिंदी लिखी सही गई थी, वो सॉफ्टवेयर मिस्टेक है, बता दूं आपको। आप कमेंट करने मत लग जाना कि हिंदी गलत लिखी हुई है, भाई बोल तो सही रहा हूं ना मैं। यहां देखिए किसमें करता है? द्रव्यमान में, संख्या में और क्षेत्र में। ठीक है, उत्तर वाला अवस्था में जो बालक होता है ना, ये द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में क्या करता है? अंतर स्पष्ट करना चालू कर देता है वस्तुओं में। आगे हम लेकर चले, और देखिए आपको बता दूं ना, ये जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये लिंक में आप क्लिक करके ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट लाइक का बटन प्रेस करें और रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपको। तो आई थिंक आप लोग वीडियो को शेयर भी जरूर करेंगे, बोलने की जरूरत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 ले लेते हैं। दूसरे वर्ष के अंत में ना शिशु का शब्द भंडार कितना होता है? तो लगभग ना दूसरे वर्ष के अंत में ना 100 शब्द के आसपास बच्चा सीख लेता है। शर्म और गर्व जैसी भावनाएं जो होती है ना, ये बाल अवस्था में आ जाती है। कैसी? शर्म और गर्व जैसी भावनाएं बाल अवस्था में आ जाती हैं। मैकडूगल के अनुसार अगर हम देखें ना, तो मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से होता है? तो ये होता है आश्चर्य। आश्चर्य संवेग से क्या होता है? मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध होता है। नोट डाउन करेंगे आप। बाल अवस्था होती है, तो भाई बाल अवस्था ना 12 वर्ष तक खत्म हो जाती है, 6 से 12 वर्ष के बीच में ये बाल अवस्था होती है। आपको बता दूं शारीरिक विकास का क्षेत्र ये बहुत ज्यादा पूछा गया है, स्नायु मंडल लिखा हुआ है। वो क्या लिखा है? स्नायु मंडल शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ये बात ना आप लोग बिल्कुल याद सा कर लें। विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी जाती है, तो वो ना 4 से 7 वर्ष की मानी जाती है। नोट डाउन कर लीजिएगा ऐसे भी आप लोग। आगे आपको लेकर चलूं मैं, प्रायः जो बालक होता है ना किस वर्ष में होता है? ठीक है, तो ये ना लगभग 1.5 वर्ष में। चलना चलना कितने वर्ष में सीख लेता है? लगभग 1.5 वर्ष की उम्र में चलना सीख लेता है। शैक्षिक दृष्टि से अगर मैं बात करूं ना, तो बाल विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं? तो देखिए सबसे पहले तो बात करूंगा ना शिशुअवस्था की, जो जन्म से 5 वर्ष तक या 6 वर्ष तक मानी जाती है। बाल अवस्था की मैं बात करूँ ना 6 से 12 वर्ष तक, और किशोर अवस्था की बात करूँ ना मैं, तो 12 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। तो ये तीनों अवस्थाएं जो होती है ना शैक्षिक दृष्टि से ना 3 ही अवस्था मानी जाती है, ध्यान रखना है इसमें। आगे हम चलें, बालक में ना सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग का विकसित होता है, कथन किसने कहा हुआ है? देखिए नोट डाउन करना है इसे, ये वॉटसन ने कहा है। किसने कहा है? वॉटसन ने। भय, क्रोध और प्रेम की संवेग का विकसित सबसे पहले होता है, ये कहा है वॉटसन ने। और प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था? तो ये विलियम विलियम हिली के द्वारा खोला गया था। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य के पाचन क्रियाओं से होता है? तो अभिभ्रक, अभिभ्रक एक ग्रंथि होती है, उसका संबंध जो होता है ना ये मनुष्य के पाचन क्रियाओं से होता है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा था दोस्तों? ये रॉस ने कहा था। किसने कहा था? रॉस ने कहा हुआ था। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है अल्फ्रेड बीने। ठीक है, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड बीने। ब्रजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है, उत्तेजना भाग क्या है? संवेगात्मक विकास का है। ठीक है, ब्रजेश के अनुसार अगर हम देखें ना, उत्तेजना भाग जो है वो क्या है? संवेगात्मक विकास है। तर्क
जिज्ञासा निरीक्षण शक्ति का विकास कब होता है? तो लगभग ना 11 वर्ष की उम्र में जो बालक होता है तर्क जिज्ञासा और निरीक्षण जैसी शक्तियों का ना विकास कर लेता है। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो अभिप्रेरण जो है ना ये वंशानुक्रम से संबंधित नहीं रखता है दोस्तों। आगे हम चलें, एक कारक सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? तो एक कारक सिद्धांत जो होता है ना राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। नोट डाउन करना, राजकीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है एक कारक सिद्धांत। आगे हम चलें, बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत जो है ना एक कारक सिद्धांत है दोस्तों। नोट डाउन करना, बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत एक कारक सिद्धांत। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है, स्पेयरमैन ने। किसने दिया हुआ है बुद्धि का द्विकारक? स्पेयरमैन ने। स्पेयरमैन ने कहाँ के निवासी थे? तो भाई ये फ्रांस के निवासी थे जो स्पेयरमैन थे। कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के। स्पेयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? तो आपको जानकर थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि जो स्पेयरमैन थे ना वो पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, बाद में ना वो मनोविज्ञान के प्रोफेसर बन गए थे। आई थिंक वीडियो आपको पसंद आ रहा हो दोस्तों, तो लाइक तो कर दें और साथ साथ में ना आपका कमेंट में जवाब दिया करो भाई कि वीडियो में ना क्या कमियां लगी है आपको या क्या अच्छा लगा। तो उससे क्या होता है ना हमें अगला वीडियो बनाने में ना मोटिवेट मिलता है और हम ना उसी तरीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं। और रोजाना ना सुबह आपको यहाँ पर वीडियो देखने को मिलते हैं, 9 बजे लाइव क्लास होती है दोस्तों। तो ये सारी चीजें ना आप नोट डाउन कर लें और सीटेट और या किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो 9 बजे आप हमारे चैनल पे आ जाएं बिना नोटिफिकेशन के और लाइव हमारे साथ सेशन करें बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 16, स्पेयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है? तो स्पेयरमैन ने ना बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया हुआ है। किससे बताया हुआ है? चिंतन से। किसने? स्पेयरमैन ने। नोट डाउन करना ना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। बालकों के भाषी विकास का क्रम क्या है? देखिए जो बालक के भाषी विकास का यहाँ पे क्रम पूछा जा रहा है ना, तो रोना, रोना मतलब यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, रुदन हो रहा है, कृदन हो रहा है, फिर बबलाना हो रहा है, फिर हाव भाव, ये तीनों चीजें ना जरूरी होती है। बालक किस उम्र में वाक्य द्वारा अपनी बात को कह पाता है? तो लगभग ना 5 वर्ष की उम्र में ना बालक जो होता है ना अपनी बातों को कह पाता है। नोट डाउन करना, बालक का सबसे पहले क्या बोलता है? स्वर बोलता है, व्यंजन बोला जाता है, ऐसा पूछते हैं यहाँ पे, बालक सबसे पहले क्या बोलता है? तो बालक ना सबसे पहले ना व्यंजन बोलता है। अब व्यंजन में क्या बोलता है वो, ये पूछ लिया आपसे, तो माँ शब्द, माँ शब्द सबसे पहले क्या होता है ना बालक जो होता है व्यंजन के रूप में बोलता है। इज दैट क्लियर? आगे हम चले, बालक सबसे पहले किस भाषा को पहचानता है? तो बालक जो होता है ना सबसे पहले अपनी माँ की आवाज को, अपनी माँ की भाषा को पहचानता है। नोट डाउन करना है इसे, और इसे ही ना उस बालक की मातृभाषा का नाम दे दिया जाता है जो वो अपनी माँ से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है। आगे हम चले क्वेश्चन नंबर 21 में, कहाँ पर बालक समाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है? देखिए समाजीकरण के नियम जैसे कि आप ना एक दूसरों का सहयोग करोगे या आप अपने क्रोध को नियंत्रण करोगे या दूसरों के लिए ना त्याग करोगे, ये सारी भावनाएं जो होती है ना बालक को ना खेल के मैदान में आती है। कहाँ आती है दोस्तों? खेल के मैदान में। तो बालक जो होता है समाजीकरण के नियम ना स्वयं जो सीखता है वो खेल के मैदान में सीखता है। आगे हम लेकर चले ना आपको, बालक में नकारात्मक सोच की कौन सी अवस्था उत्पन्न हो जाती है? तो ना ये किशोर अवस्था में होता है ना, जब बालक के अंदर ना नकारात्मक सोच आ जाती है, वो कौन सी अवस्था होती है दोस्तों? किशोर अवस्था होती है। आगे लेकर चलूं मैं आपको, क्षेत्रीय सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया हुआ है ना? तो कॉट लेविन जी ने दिया है। कॉट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो आपको बता दूं जो कॉट लेविन जर्मनी के रहने वाले थे। गेस्टाल्टवादी क्या है? तो देखिए जर्मनी के विद्वानों का ना एक समूह बना लिया है इन्होंने जिसमें कोलर, कोफा और वर्दिमर है, ये गेस्टाल्टवादी मतलब वैज्ञानिक है। नोट डाउन करना, कॉट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो वो संज्ञानवादी, संज्ञानवादी के समर्थक थे, ये भी याद रखेंगे आप लोग। क्षेत्रीय सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है ना? तो वो संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत या बाल दिशा मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। कॉट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो देखिए यहाँ पे आएंगे ना आप, तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से हैं, जैसे कि शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है। अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत किसने दिया है? तो जो रॉबर्ट गिने जी ने ना अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत दिया हुआ है। नोट डाउन करेंगे आप, रॉबर्ट गिने किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो वो ना संज्ञानवादी, संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे रॉबर्ट गिने। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 350 ग्राम, और वयस्क का भी बताया था आपको मैंने 1400 ग्राम। दो
बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या जो होती है वो होती है 20। कितनी होती है? 20। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, ये कथन किसका है? तो देखिए, अरस्तु जी जो है ना, उन्होंने कहा था कि मनुष्य एक ना सामाजिक प्राणी है। ये किसने कहा था? अरस्तु जी ने कहा हुआ था। आगे हम आपको लेकर चले ना, बालक में सामाजिकरण प्रारंभ किस अवस्था में होता है? ना तो जो शिशावस्था होती है ना, उसी में बालक जो का सामाजिकरण प्रारंभ हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर शिशावस्था कहें तो बच्चे का जब जन्म होता है ना, तभी क्या होता है ना, बच्चों का सामाजिकरण प्रारंभ हो जाता है जन्म से ही। ठीक है, ध्यान रहेगा इस बात का। आप लोग से पूछा जा सकता है ना क्वेश्चन घुमा फिरा के, कि जन्म से ही समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है कि बिल्कुल हो जाता है। आगे आपको लेकर चलूं मैं, बालक में समाजीकरण किस अवस्था में पूर्ण होता है ना, तो ऐसा माना जाता है किशोर अवस्था में पूर्ण हो जाता है, पर कई विद्वानों का यह मानना नहीं है। आपको बता दूं, बालक की गिरोह की अवस्था, मतलब जो समूह में रहने की अवस्था होती है ना, वो किस अवस्था में हो जाता है? तो लगभग यहाँ पे ना बाल अवस्था में ऐसी अवस्था आ जाती है, पर किशोर अवस्था में ये अवस्था जो ना ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ध्यान रहेगा, बालक में नकारात्मक सोच, अभी आपको बता दिया मैंने ये। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किनने दिया है ना, तो बांडुरा और वटलर ने दिया है। इज इट क्लियर? आगे हम आपको लेकर चलें तो वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र क्या है? तो वर्तमान में ना 3 से 4 वर्ष विद्यालय जाने की उम्र है। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ करने की उम्र कितनी है ना, तो वो 6 वर्ष है। 6 वर्ष में क्या होता है ना, बालक की औपचारिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। शर्म की अवस्था को कहा जाता है, तो जो ना शर्म और गर्व की अवस्था को बाल अवस्था को कहते हैं, आपको पता है। अनुकरण करने की अवस्था, अनुकरण क्या होता है दोस्तों? जो ना देखकर सीखते हैं आप, जैसे आपके जो पेरेंट्स कर रहे हैं या बड़े कर रहे हैं ना, उसको देखकर आप ना वैसे ही नकल करने लग जाते हैं ना, उससे आप अनुकरण के नाम से जानते हैं। तो ये अवस्था जो होती है दोस्तों, वो होती है आपकी शैशवावस्था। इज दैट क्लियर? सर्वप्रथम सॉरी, स्व प्रेम की भावना किस अवस्था में होती है ना, तो ये शैशवावस्था में हो जाती है। जब बच्चा ना शिशावस्था में रहता है, तो उसमें क्या होता है ना, अपनी चीजों से वो प्रेम करने लग जाता है। जैसे उसका खिलौना रहता है या तो जो झुंझुना रहता है ना, उसको कोई भी उससे हाथ से लेता है तो वो रोने लग जाता है ना। तो ये स्व प्रेम की भावना है, अपनी चीजों से प्रेम। ठीक है, सामाजिकता को मापने की विधि क्या है? तो सोशियोमेट्री होती है। सोशियोमेट्री ये जो होती है ना, सामाजिकता मापने की विधि होती है। नोट डाउन करना आप। और देखिए आना, बहुत ही अच्छे प्रश्न थे आई थिंक, मेरे हिसाब से तो आई थिंक आपको पसंद आए हों। 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय से ना कितना हो जाता है? तो लगभग ना 2 गुना हो जाता है। जन्म के समय बालकों की लंबाई क्या होती है ना, तो 20 इंच के आसपास मानी जाती है। बच्चों को सबसे एक भाषा का ज्ञान होता है ना, तो अपने परिवार की भाषा का ज्ञान सबसे पहले बच्चों को होता है। 6वीं कक्षा में पढ़ने वाला बालक का शब्द भंडार कितना होता है? लगभग 50,000 शब्दों का शब्द भंडार उसके पास होता है। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो 80,000 शब्द के आसपास शब्द भंडार उसका होता है। लड़का एवं लड़की में किसका शब्द भंडार अधिक होता है? तो लड़कियों का जो शब्द भंडार होता है ना, वो अधिक होता है। नोट डाउन करेंगे इस बात को आप। भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? तो देखिए, आप अनुकरण के द्वारा सबसे बेहतर तरीके से भाषा सीखते हैं, दोहराकर, अनुकरण के द्वारा पहला पॉइंट। खेल विधि से कहानी सुनकर, वार्तालाप करके, प्रश्न उत्तर के द्वारा आप ना भाषाओं को सीख सकते हैं। नोट डाउन करेंगे आप इस बात को। लड़की संकेत द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख लेती है? तो लगभग 6 वर्ष की उम्र में लड़कियां ऐसा करना प्रारंभ कर देती हैं। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक ना निम्न है, लिंग है, बुद्धि है, स्वास्थ्य है, जनसंचार माध्यम है या जन समूह का प्रभाव है। ये सभी जो है ना भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो नोट डाउन करते चले ना आप, तो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो आपको तो कोई जरूरत नहीं है, मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको दे ही रहा हूँ ना। कुछ कारक और भी है, सामाजिक आर्थिक स्थिति है, पारिवारिक है, विद्यालय है और आस पड़ोस का वातावरण भी है, शामिल है इसमें। तो देखिए दोस्तों, मनुष्य और पशु में अंतर क्या है ना, तो बुद्धि का अंतर होता है। मनुष्य और पशु में किसका अंतर होता है ना, बुद्धि का अंतर होता है। ध्यान रखना है इसका। बुद्धि का ना सबसे पहला परिभाषा ना किसने दी हुई है? तो बुद्धि की सबसे पहली परिभाषा जो है ना, यूनानी के दार्शनिक ने दी हुई है, यूनानी दार्शनिक ने। इज इट क्लियर? आगे हम चले ना, आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया है? तो अल्फ्रेड बीने ने 1904 में ये चीजें समझाई हुई है। नोट डाउन करना इस बात को आप। और आपको बता दूं, इस लिंक में क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ साथ में यही पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर चाहिए। तो दोस्तों, एक छोटा सा काम करना होगा आपको, प्ले स्टोर से जाना होगा, टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको जुड़ना होगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से, उस लिंक में क्लिक करना होगा। हमारा एक टेलीग्राम चैनल होगा एजुकेशन फॉर यू के नाम से,
या @आशीष सर भी आप उस टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो भी हमारा चैनल आपको मिल जाता है। तो दोस्तों वहां से ना आपको जुड़ें, और जुड़ने के पश्चात एक छोटा सा काम आप वहां पे कर लें, ज्वाइन कर लें और आप फ्री PDF मिलते रहेगी। रात 9 बजे सभी लोगों को आना है बिना नोटिफिकेशन के, हमारे साथ ना लाइव क्लास लेना है, लाइव तैयारी करना है। भाई हमारे जो हाउस वाइफ लोग जो है ना, और या तो जो घर में है, जो हमारे गरीब छात्र हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस में जाना या अदर चीजें ना, तो उन लोगों के लिए फ्री लाइव क्लासेस होती है, फ्री PDF मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ ना, तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती है दोस्तों। तो ये हमारी एक पहल है कि आपकी तरह ना हर चीज फ्री में पहुंचे, और जो हमारा ऐसे भाई बहन लोग हैं, ऐसे हमारे बड़े लोग भी हैं जो भाई शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उनके अंदर टैलेंट है पर वो बड़ी बड़ी कोचिंग में या बुक्स खरीदने के लिए उनके पास कुछ एलिजिबिलिटी नहीं है ना, तो उन सभी की मदद करना मेरा एक उद्देश्य है। तो दोस्तों आप लोगों से कहूँगा इस वीडियो को ना आपको फैलाना है, लाइक एंड शेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।